कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे युवकों को बच्चों के जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। देश का कोई बच्चा शिक्षा के लाभ से वंचित ना रहे, इसके लिए शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया। जरिए
देश का नाम रोशन करवाने वाले हमारे अनिल पंचोली जी, यहाँ पर बैठे हुए हमारे अनिल गलगली जी, रवि नायर जी, शरीफ खान जी, प्रभाकर जावकर जी और हमारे इस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अंतोनी चटियार जी, शहीद खान जी, सभी महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्षा माया खोदताई, माया महिला कांग्रेस की सभी बहनें, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई सेवा दल के हमारे सभी साथी, वार्ड के बगल के वार्ड के हमारे नगर सेवक कांग्रेस के वाजिद कुरैशी और सभी इसी वार्ड के सभी हमारे साथी, इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे, इस स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टाफ हैं, इडन हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के टीचर्स, उसके सारे जो नायर साहब और सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई। आज का ये दिन बहुत शुभ दिन है। जैसे नसीम साहब ने बताया कि अम्बानी स्कूल के बच्चे या हीरानंदानी स्कूल के बच्चे या नाहर स्कूल के बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं वो अपने बच्चे भी हासिल कर पाएंगे और जब वो बड़े होंगे, कमाने लायक हो जाएंगे तो पूरी दुनिया से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। यही मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है और मैं बहुत आभारी हूँ नसीम भाई का जिन्होंने मुझे आया यहाँ बुलाया, ये अवसर दिया और आप सबके बीच में आकर मुझे बहुत खुशी हुई है। तो जितना भी कहा जाए नसीम भाई के बारे में कम है। मैंने बहुत लीडर देखे हैं, बहुत नेता देखे हैं, बहुत लोगों को बहुत कुछ बोलते हुए देखा है, मगर करने वाला नेता नसीम भाई है। आप सब बहुत खुशकिस्मत हो कि वो आपके इलाके के हैं, आपके लाडले हैं। मैंने अभी दो दिन पहले इनको एक काम बोला था, मेरा एक नेफ्यू है, उसकी किडनी रिप्लेसमेंट हो रही है, तो जे हॉस्पिटल में कुछ काम था, तो नसीम भाई ने, मैं तो बोल के भूल गया, मगर नसीम भाई ने मुझे 5 बार फोन किया, जब तुम्हारा काम हो गया जाके देख लो काम। तो ऐसा मेरा भाई है और आपका नेता है। तो मैं सभी टीचर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, सभी स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ जो मीडिया आई है, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, हेलो हेलो, माइक चेक, हेलो, ओके, देखिए पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन हो रही है और इसीलिए हमने भी सोचा कि हमारी चांदी वाली असेंबली जहाँ पे गरीब मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं और स्लम्स में रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ के स्कूलों में पढ़ने वाले जो लाखों की तादाद में बच्चे हैं उनको भी डिजिटल शिक्षा मिलनी चाहिए, डिजिटल एजुकेशन मिलना चाहिए, इसलिए हमने फैसला किया और अराउंड 60 स्कूल जिसमें म्यूनसिपल स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू एंड मराठी मीडियम, उसमें हमने शामिल किया है और 60 स्कूलों में हर स्कूल में गवर्नमेंट का जो सिलेबस है उसके बेसिस के ऊपर हमने डिजिटल क्लासरूम तैयार किया है और इसकी शुरुआत हो रही है और देश के मशहूर फिल्म कलाकार हमारे आदित्य पंचोली जी के हाथों आज इसकी शुरुआत हुई है, उसका उद्घाटन हुआ है। हमें खुशी है कि ये 60 स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम खोलने के बाद 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को डिजिटल शिक्षा मिलेगी और हमारे गरीब स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हो सकेंगे, वो भी ई लर्निंग डिजिटल शिक्षा प्राप्त करने में सफल होंगे, इसके तहत आज हमने शुरुआत की। नहीं बिल्कुल, हर स्कूल के लोगों से हमने रिक्वेस्ट की है कि डिजिटल शिक्षा जो होगी, डिजिटल क्लासरूम, इसीलिए हम बना के दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं स्कूल्स को कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाए। हाँ जी, देखिए आज की डेट में ये सबसे ज़रूरी है, ये जो ई एजुकेशन है जो
बहुत सारे बड़े कॉलेजेस में, बड़े स्कूल्स में मिलता है लोगों को, लोगों के बच्चों को, अमीर लोगों के बच्चों को, वही सेम शिक्षा यहाँ के बच्चों को भी मिलेगी। और ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है नसीम खान साहब ने, और ये आगे जाकर आज इसका महत्व नहीं पता चलेगा। ये जब बच्चे जब कमाने लगेंगे, जब अपने पैरों पे खड़े होंगे, और जब ये अपने माँ बाप की मदद करेंगे, सहायता करेंगे, तब उनको पता चलेगा कि यार ये जो हमने डिजिटल एजुकेशन प्राप्त की है इसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड डिजिटल होता जा रहा है। आप लोगों को तो सबसे पता है, ज़्यादा पता है, तो ये बहुत ज़रूरी काम है। ऑफ एवरीथिंग इट्स यू नो द वर्ल्ड इज यू नो बिकमिंग डिजिटलाइज्ड। बच्चों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस था, बच्चों का तो बहुत ही अच्छा था, उनके पेरेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पांस है, उनकी शक्ल पे खुशी है, तो बहुत अच्छी बात है। सर, अभी टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में भी आज डिजिटलाइजेशन चल रहा है कि शॉर्ट फिल्म चैनल, वेब सीरीज है। मैं तो ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, मगर आज एजुकेशन की बात करेंगे, फिल्मों की बात कभी और करेंगे। थैंक यू।